एक समय की बात है, सोनपुरा नाम के एक गांव में बिरजू नाम का एक दुकानदार रहता था। वो बहुत अच्छे से अपना जीवन बिता रहा था। रोज सुबह समय पर दुकान जाता और शाम को घर आ जाता। पूरा दिन उसका व्यस्त रहता क्योंकि वहां दूर दूर तक कोई दुकान नहीं थी। उसी गांव में न जाने कहां से एक शैतान आ गया और वो जब भी बिरजू जैसे भोले और ईमानदार लोगों को देखता उसको गुस्सा आता, क्योंकि उसको अच्छे लोग पसंद नहीं थे। पता नहीं लोगों को ईमानदार और अच्छा बनने से क्या मिलता है, जिंदगी भर बस रोते रहो और ठोकरें खाते रहो, इसीलिए मुझे शरीफ लोग पसंद ही नहीं है। अरे ये तो वही लाट साहब है जिसने मुझे लात मार के ड्राइवर की नौकरी से निकाल दिया था। तो क्या हुआ, मैंने मजबूरी में चोरी की? मैं कोई चोर थोड़े ना था। मेरे जमींदार बाप ने पैसे नहीं दिए तो मैंने कर ली चोरी जुआ खेलने के लिए। गलती तो सबसे होती है, पर इसने मेरी एक ना सुनी। आज तो मैं इस लाठ साहब की औलाद को सबक सिखा कर रहूंगा। यही सही आदमी है मेरे लिए। इसकी जगह कोई शरीफ ज्यादा होता तो माफी मांग के गिड़गिड़ा रहा होता मालिक के पैर पकड़ के, पर ये आदमी बिल्कुल मेरी तरह है। और वो शंभू के अंदर समा जाता है। शंभू की आंखें लाल हो जाती हैं और उसके हाथ ऐंठने लगते हैं। फिर जैसे जैसे शैतान शंभू के शरीर पर काबू पा लेता है, शंभू का दिमाग और भी शैतानी हो जाता है और वो शैतान की भाषा बोलने लगता है। कितना अच्छा लग रहा है, अब एक अलग ही नशा सा महसूस हो रहा है। आज बहुत दिनों बाद मानव शरीर मिला है मुझे। चलो आज कुछ मस्ती की जाए, वैसे भी अब मेरा बाप बूढ़ा हो चुका है, आखिर उसके जमींदार होने का कुछ तो फायदा उठाया जाए। शैतान शंभू गांव वालों को ठगना शुरू कर देता है। इस महीने के पैसे कहाँ हैं तुम्हारे? शंभू भाई, मैंने आपको बोला था मुझे लेट होगा, मुझे माफ कर दो। पैसे देने हैं तो अभी दो, और नहीं दे सकते तो तुम्हें मुझे 200 रुपए ज्यादा हर महीने देने होंगे। उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। भगवान हमेशा अपनी दया ऐसे ही मुझ पर बनाए रखे, बस जीवन सुखमय होगा। तभी बिरजू की दुकान पर भूषण आता है। क्या प्रार्थना हो रही है बिरजू सुबह सुबह? बस भाई, भगवान सबको खुश रखे, ऊपर वाले से यही प्रार्थना है। कुछ दूर से ये बातें शैतान शंभू सुन रहा होता है। तेरी प्रार्थना तो मैं जानता हूँ, एक अकेली दुकान है ना तेरी यहाँ, और सबसे ज्यादा पैसे कमाता है तू। एक दिन मैं तुझे बताऊंगा, तेरी सारी दुआ पानी में जाएगी। बिरजू वैसे तो अकेले रहता है, लेकिन उसको दुकान जाने में बिल्कुल देरी नहीं होती है। वो रोज सुबह अच्छे से उठकर घर की सफाई करता, उसके बाद पूजा करके खाना खाकर घर से निकलता है। वो मंदिर की तरफ जा ही रहा होता है तभी एक गांव वाला भागे भागे उसकी तरफ आता है। अरे बिरजू भाई, जल्दी चलो, तुम्हारी दुकान में तो आग लग गई है, सब कुछ जलकर राख हो गया, जल्दी चलो बिरजू भाई जल्दी। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उस गांव वाले के साथ बिरजू अपनी दुकान की तरफ भागते हुए जाने लगता है। पेड़ के पीछे छुपा शंभू शैतान ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। बिरजू अपनी दुकान के पास पहुंचता है और जोर जोर से रोने लगता है। अरे मैं तो लुट गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मेरा जीवन कैसे चलेगा, मैं कैसे जी पाऊंगा? भगवान ये तूने क्या किया, मैं तो तुझे कितनी पूजा करता था, याद से रोज तेरी सेवा करता था। ये सदमा बिरजू बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको लगता है उसका जीवन ही खत्म हो गया, इसलिए वो गांव की बड़ी नदी में जाकर छलांग लगा देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर मरने के बाद उसकी आत्मा एक रूप ले लेती है। तभी वहां अचानक यमराज आ जाते हैं और वो उससे बोलते हैं। हेलो बिरजू, अब इस दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चलना होगा मतलब कहाँ चलना होगा मुझे, और आप कौन हो? मैं यमराज हूँ, तुम अब मर चुके हो,
इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन जिसकी वजह से मेरी मृत्यु हुई उसका क्या, उसके साथ क्या हुआ और उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। इस प्रश्न का जवाब मुझे कब मिलेगा? इन सवालों के जवाब तुझे पाने हैं तो मैं कुछ समय दे सकता हूँ। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि तेरा सामना एक शैतान से होगा। वो शैतान जो न जीते जी अच्छा रहा और न मरने के बाद अच्छा रहा। अगर तू उसे खत्म कर देता है तो तेरे जैसे बहुत से शरीफ लोगों की जिंदगी उस शैतान के हाथों खराब होने से बच जाएगी और तेरे पुण्य कर्म बढ़ जाएंगे। शैतान अपने असली रूप में दूर से यमराज और बिरजू की आत्मा की बातें सुन रहा होता है। मुझे हराएगा ये, मुझे खत्म करेगा। बस एक बार ये यहाँ रुकने के लिए हाँ कर दे, फिर मैं इसको बताता हूँ मैं हूँ कौन। मुझसे पंगा लेना तो बहुत भारी पड़ेगा इसके लिए। लेकिन यमराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो शैतान बना कैसे। यमराज बिरजू को शैतान की कहानी बताने के लिए बीते दिनों में जाते हैं। जिंदगी भर तूने लोगों के खून पसीने की कमाई लूटी है, पर तू ये भूल गया इन पैसों का मरने के बाद कोई काम नहीं है। ये पैसे तुम यहीं कचरे में फेंक दो, ये पैसे तुम अंदर नहीं लेकर जा सकते। ये मेरे जीवन भर की कमाई है, मैं इसको ऐसे जमीन पर छोड़कर नहीं जा सकता। मैं इन पैसों को लेकर ही अंदर जाऊंगा। मैंने पूरा जीवन इसमें बिता दिया तो मैं इसको छोड़कर अंदर कैसे आ जाऊं? अंदर सिर्फ कर्मों का फल मिलता है, पैसे कोई मतलब नहीं रखते। अगर बिना पैसों के अंदर जाना है तो मैं इस दुनिया में ही ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना अंदर। उसके बाद हमने उसको यहाँ छोड़ तो दिया, लेकिन उसने मरने के बाद भी लोगों को परेशान करना नहीं छोड़ा। अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है और किस तरह शैतान को सबक सिखाना है। उसके बाद यमराज बिरजू को कुछ शक्तियाँ देते हैं और धरती पर ही छोड़कर चले जाते हैं और बिरजू एक बार फिर अपने गांव की तरफ निकल जाता है। आत्मा बनने के बाद अब बिरजू सबको आर पार देख सकता था। बिरजू कुछ दिनों तक गांव में घूमता रहता है और उस शैतान का पता लगाने की कोशिश करता है। एक दिन वो देखता है कि शंभू शैतान किसी को बुरी तरह पीट रहा है। बिरजू ये सब देखकर समझ जाता है कि ये वही शैतान है और इसने अपना मकसद पूरा करने के लिए शंभू पर कब्जा कर लिया है। बिना सोचे समझे बिरजू शैतान के सामने चला जाता है और बोलता है, शैतान रुक जा, तू होता कौन है सबको परेशान करने वाला? मैं वही हूँ जिसने तेरी दुकान जलाई थी और तुझे आत्महत्या करने पर मजबूर किया था। बता क्या करेगा, मेरा कुछ बिगाड़ सकता है तू? तुझे ऐसा करके क्या मिल गया? क्यों तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की? तेरे मरते ही मैंने तेरी तिजोरी तोड़ के सारे पैसे ले लिए। उन पैसों पर सिर्फ मेरा राज चलेगा और उसको इस्तेमाल करके मैं और ढेर सारे पैसे बनाऊंगा। चल आज तुझे दिखाता हूँ कि शराफत और अच्छाई की ताकत क्या होती है। बोल चल, हो जाए दो दो हाथ, देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। बिरजू की आत्मा और शैतान के बीच घमासान लड़ाई होती है और दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे और ऐसे लड़ते लड़ते समय निकलता जाता है। बिरजू समय पर ध्यान नहीं देता और शैतान से लड़ता रहता है। अचानक उसे याद आता है कि उसके पास समय बहुत कम है। शैतान बहुत पुराना शैतान था, इसलिए उसकी शैतानी ताकत काफी बढ़ गई थी और बिरजू को यमराज से प्राप्त शक्तियाँ ठीक से इस्तेमाल करनी नहीं आ रही थी। तभी आसमान में बिजली कड़कती है और आसमान को काले बादल घेर लेते हैं, पर शैतान समझ चुका था कि बिरजू को दिया गया समय खत्म हो गया है, ये सब उसी का इशारा है। तभी आसमान से एक अनोखी शक्ति नीचे आती है और सीधा शैतान की छाती के आर पार हो जाती है, जिससे शैतान बुरी तरह घायल हो जाता है। और तभी अचानक एक आकाशवाणी होती है,
तो जैसा शैतान कभी नहीं जीत सकता। यहाँ तो बस तेरे जैसे पापियों के पाप का घड़ा भरने की देर रहती है, पर आज तूने भगवान की शक्ति को ललकारा है, तुझे तो सजा मिलनी ही चाहिए, तेरा समय अब खत्म। बिरजू ये सब देखकर समझ नहीं पाता कि अब वो क्या करे। इतना बोलकर बिरजू बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है, तभी वहाँ यमराज आते हैं। मुझे समझ आ गया है कि जिंदगी सिर्फ खुद के जीने के लिए नहीं होती, कभी कभी हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए अब। बिरजू मरने के बाद आत्मा बनकर भी अच्छा बना रहा,